हर कार्य में, बोरीवली में होने वाली हर सामाजिक सांस्कृतिक कार्य में अथक प्रयास रहता है। और पिछले कई वर्षों से शोकलिट्स नवरात्रि उत्सव में आपका बहुत ही बहुत सहायक रोल रहा है। आई रिक्वेस्ट फाल्गुनी पाठक जी टू जॉइन अस ऑन द डायस। ऑन द डायस वी ऑल्सो हैव our title sponsor, GM Modular, of course with Mr. Jain. Jain is not present today, but we have Dubai and Rushabh Vasa. Please join us on stage, and our esteemed partners, associates, supporters, I would request on stage VP Creative and Business Head Colors Gujarati, Mr. Vipul Nagar, Mr. Yogesh Lakhani, CMD, Bright Outdoor Media Private Limited, to please join us on stage. और आए हुए मीडिया के सभी मेंबर्स, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि हर बात पहुंचनी चाहिए, और आप ही हमारी पहुंच है। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ देने के लिए। आए हुए सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज अपने अथक प्रयासों से हर नवरात्रि उत्सव को हर साल सफल बनाने वाले हमारे आधार स्तंभ आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी का बहुमान करने के लिए, सम्मान और स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा शोकलिट्स के डायरेक्टर श्री संतोष सिंह जी को। आई वुड रिक्वेस्ट संतोष जी टू फिल स्टेट एंड वेलकम गोपाल शेट्टी जी। And now I would request Shri Gopal Shetty ji to felicitate and welcome the name we all love to see on stage, Falguni Pathak. Thank you, ma'am. बहुत बेसब्री से इंतज़ार है बेशक आपको भी और हम सभी को भी इस नवरात्रि उत्सव का। आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट श्री गोपाल शेट्टी जी टू फेलिसिटेट एंड वेलकम श्री राजेश शर्मा, डायरेक्टर जीएम मॉड्यूलर, एंड मिस्टर विकी नागपाल, डायरेक्टर जीएम मॉड्यूलर, आर टाइटल स्पॉन्सर फॉर शोकलिट्स प्रेजेंट्स जीएम नवरात्रि उत्सव विथ फाल्गुनी पाठक एंड तातैया। GM Modular स्विच मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अपने यूनिक डिज़ाइन और क्वालिटी से क्रांति लाने वाले ब्रांड हैं। भारत में स्विच और होम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स में से एक हैं, और आपकी सभी होम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स से जुड़ी ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है GM Modular। पिछले दो दशकों में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हुए GM Modular। मैं अब संतोष जी से अनुरोध करूँगा के डायरेक्टर विटी इंटरनेशनल एंड विटी इंटरनेशनल स्कूल एंड मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी श्री विनय जैन जी का स्वागत करें। संतोष भाई स्वागत करें आप ही के टीम मेंबर्स और डायनेमिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिग्नेश भाई और हर्षल भाई का। साफ करो देखते हैं।
I would request Santosh Bhai to first state and welcome Mr. Sanjay Jain. Our media partner, outdoor media partner, and a very known name, Yogesh Lakhani ji, CMD Bright Outdoor Media Private Limited. पिछले कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए और इस नवरात्रि उत्सव की हर बात को लोगों तक अपने होर्डिंग्स के जरिए, आउटडोर मीडिया के जरिए पहुंचाते हुए, मैं अनुरोध करूंगा संतोष भाई से टू फेल स्टेट एंड वेलकम वीपी क्रिएटिव एंड बिजनेस हेड कलर्स गुजराती श्री विपुल नागर जी. आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट Santosh Bhai to felicitate and welcome Mr. Vijay Shah. Thank you, sir. Thank you, gentlemen, for joining us at this very occasion to announce Shoglitz Navratri Osav with Falguni Pathak and Tathaya, sponsored by GM Modular. Aur ab main anurodh karunga आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी से कि आप अपने ही लोगों से बात करें, अपने भाव व्यक्त करें आज के इस अवसर पर. और जो खास अनाउंसमेंट आज होने वाला है नवरात्रि उत्सव के बारे में, आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तैयारियां पिछले कुछ समय से इतनी ज़ोर शोर से हैं कि कई लोगों ने अप्रैल मार्च से ही गरबा और डांडिया सीखने की, प्रैक्टिस करने की शुरुआत कर दी थी. जी सर. नमस्कार. हम सब के बीच उपस्थित डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक जी, इस कार्यक्रम के आयोजकों में निश्चित संतोष सिंह का नाम लूँगा मैं, राजेश शर्मा जी है, विकी नागर जी है, कलर्स गुजराती के विपुल नागर जी, विनय जैन, शिवा शेट्टी, हर्षी लाला, ऋषभ भाई, संजय भाई, जिग्नेश हिरानी, अन्य सभी मंच पर उपस्थित और इस इवेंट से जुड़े हुए प्रतिष्ठित मान्यवर उपस्थित भाई और बहनों, मुझे खुशी होती है इस बात को आप सबके सामने घोषित करने में. दो साल के कोरोना के ब्रेक के बाद फिर एक बार प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन में नवरात्र उत्सव मनाया जाएगा जो 26 तारीख से 5 अक्टूबर तक चलेगा. प्रमोद महाजन ग्राउंड की एक अपनी विशेषता, इतना बड़ा 13 एकड़ का ग्राउंड है और जब कभी भी डांडिया का नाम आता है तो फाल्गुनी जी का नाम पहले क्रमांक पर आता है. और उसके आगे अगर मैं बात करूं तो फिर डांडिया के लिए मुंबई शहर में कुछ जो मशहूर जगह है उसमें बोरीवली का एक नाम वो भी ऊपर आता है, क्योंकि बहुत सारे ग्राउंड है और बहुत सारे नवरात्र उत्सव का इवेंट पहले दिन से ही हम सब लोग मनाते आ रहे हैं. मैं वैभव की बात को अगर पकड़ूं तो विकासशील भारत में जो भी विकास हो रहा है वो हम विकास को कल्चर के साथ में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कल्चर के बगैर अगर विकास होता है तो विकास बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है और अधूरा है. इसलिए कल्चर के साथ में अगर हम डेवलपमेंट के और बढ़ते हैं तो लंबा समय तक वो चलेगा. और भारत देश की विशेषता ही है कि हम कल्चर को अपने साथ में लेकर चलते हैं, चाहे फिर गरीब आदमी हो, मध्यम वर्गीय हो या फिर बड़े पैसे वाला हो, हम कल्चर को कभी भी भूलते नहीं हैं. और नवरात्र का एक अपना विशेषता है, गणपति बाप्पा का अपना एक विशेषता है,
दहीहंडी का अपना एक विशेषता है, भारत देश के जितने भी त्यौहार है और ये सारे त्यौहार भारत देश की पहचान पूरे दुनिया में देती है। और मैं चाहूँगा कि ये नवरात्र उत्सव को एक एंटरटेनमेंट तो है ही उसमें, लेकिन एंटरटेनमेंट से ज़्यादा कल्चर का इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज़्यादा है। लोग सामान्य पोशाक से जिन पर चले गए, लेकिन नवरात्र ने आज भी उस विशेषता को कायम रखा है। नवरात्र जब भी होता है तो ट्रेडिशन ड्रेस का एक अपना महत्व है और यही मैं मानता हूँ कि हमारी देश की ब्यूटी है। तो मैं इस आयोजकों को सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी का भी यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। सरकार में फिर एक बार आते ही उन्होंने कल्चरल सिस्टम को अपनाया, दहीहंडी को डायरेक्ट खेल के साथ में जोड़ दिया उन्होंने। और मैं मानता हूँ कि संतोष को बहुत ही कम समय में यह परमिशन भी मिला है, बरोबर है ना? कोई शिवा शेट्टी, कोई गोपाल शेट्टी के लेटर की भी आवश्यकता नहीं पड़ी और तुरंत सरकार ने उनको परमिशन दे दिया है। बाकी सारे पुलिस वगैरह के जितने भी परमिशंस है वो सारे परमिशंस आसानी से संतोष ले लो। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, कम से कम हम जो कल्चराइज इवेंट का आयोजन करते हैं उसके लिए किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं। ये इवेंट कमर्शियल है तो उसका एक अपना जगह है, खर्चा बहुत होता है तो उसके लिए टिकट वगैरह लगानी पड़ती है जी। लेकिन कोई कल्चराइज कमर्शलाइज करता है इसके लिए सारे सिस्टम के लोग अपना हाथ आगे करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। 5 किलो का प्रसाद बना लो रवा का, जो भी हाथ आगे करेगा उसको दे दो, कम पड़ता तो पूछ लेना घर में कितने लोग हैं तो वो हिसाब से दे दो। हाँ, लेकिन रवा का प्रसाद के अगर कोई प्रसाद देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि हम कोई बदलाव के लिए काम करेंगे। ये सारे जो सिस्टम में खराबी आई है उसमें अगर कुछ अच्छा हमको आने वाले दिनों में करना है तो बदलाव हर व्यक्ति ने करने की आवश्यकता है। आप सब 10 गलतियां करते रहोगे और किसी एक ने उसको ठीक करना करने की आप अपेक्षा करोगे तो होना नहीं है। इसलिए सब लोगों ने अपना अपना काम इसमें करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं फिर एक बार शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ एज ए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट। जहाँ कहीं भी जिस किसी भी काम के लिए आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं निश्चित आप सबके साथ में हूँ। आप इसको आगे बढ़ाइए। ये करते समय मैंने कभी भी ये देखा नहीं कि आयोजन करने वाला कौन है, ये मैं देखता नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि आयोजन क्या कर रहा है। मैं गणेश नायडू, प्रकाश सुर्वे, पंकज कोटेजा, ये सारे लोग बहुत सालों से कोरा केंद्र के मैदान में गणपति उत्सव कर रहे हैं, नवरात्र उत्सव कर रहे हैं। वो कौन से पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं इसको मैंने कभी भी देखा नहीं। वो क्या कर रहे हैं, मेरे धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको मैंने देखकर हमेशा उनको भी मदद करने का काम किया। आगे आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई में और बोरीवली में जो कोई भी करेंगे उन सारे लोगों को भी मैं मदद करूँगा। लेकिन हम सारे लोग मिलकर ये नवरात्र उत्सव का और गरबा का जो विशेषता है उसको दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो उद्घाटन का समारंभ कहिए, उसके माध्यम से आप लोगों ने एक अच्छा कार्यक्रम का वो भी अच्छे जगह पर आयोजन किया। मैं विनय जैन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो सोच है, मैं देखिए हमारे देश की प्रगति का परिचय हम किस तरह से देंगे, ये जो बनता है ये यही है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस मैं कहूँगा। तो मैं विनय जैन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार की चीज़ को अगर कोई देखते हैं तो उनके मन में आता है कि और 4 बोरीली में होना चाहिए। मैं जब पार्ला या तो फिर और कई जगह पर बड़े बड़े शादियों में जाता था तो मेरे मन में यही बात आती थी हमेशा कि इस प्रकार का बोरली में होना चाहिए। इसलिए आपने किया, इसलिए आपको धन्यवाद। आगे आने वाले दिनों में और कोई करेगा तो उसके भी मैं तारीफ करूंगा। मैं फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं मीडिया के लोगों से विशेष करके निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को आप देश के हर नागरिक तक पहुंचाने में आप भी अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। जय अम्बे। जय अम्बे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी और ख़ास बात बोली कि जब जब संस्कार और संस्कृति को कोई भी देश, कोई भी संभाग अपने सर आंखों पर रगेगा तो विकास और प्रगति के कदम तेज़ ही चलेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। और जैसा
साहब ने कहा कि देश के जिस भी संभाग में ये कार्यक्रम, ये गतिविधि नवरात्रि उत्सव होता है, पारंपरिक रूप से मनाएं, पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक संगीत के साथ मनाएं, क्योंकि यही धरोहर जो आज की पीढ़ी है वो आने वाली पीढ़ी को देगी। और हर पीढ़ी जिनको पसंद करती है, जिनकी एक झलक की चाह रखती है, आज हम यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, लेकिन दुनिया भर में सभी की नज़रें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, इस मौके पर एक खास अनाउंसमेंट के लिए टिकी हुई हैं कि कब वो शब्द आएंगे कि नवरात्र उत्सव विथ फाल्गुनी पाठक इज गोइंग टू हैपन इन मुंबई इन बोरीवली। और इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा हम सभी की प्रिय, हम सभी की चहेती डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक जी से कि वे अपने ही लोगों से बात करें, अपने मन के भाव व्यक्त करें नवरात्रि उत्सव के बारे में और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। नमस्कार। आज थोड़े थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से मेरी आवाज़ बहती है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी। सबसे पहले यहाँ पर हमारे आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी का, संतोष जी, हमारे संतोष सिंह जी, जो पिछले 2016 से शोकलिस नवरात्रि में हमारे नवरात्रि का उत्सव क्या जो ऑर्गेनाइज यहाँ बोरीवली में कर रहे हैं, मिस्टर तुषार देसाई जी, शिवा शेट्टी जी, माई डियर फ्रेंड ऋषभ वसा और शोकलिस की हमारी पूरी टीम, और आप आए हुए यहाँ पर सभी पत्रकारों को मेरा नमस्कार, वेलकम ऑल। आप सभी लोग जानते हैं मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं है, लेकिन 2 साल बाद अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा, तो मैंने थोड़ा सा पेन डाउन किया है, आई रीड इट टू यू। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए अब तक की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी अलग है, इसलिए नहीं कि 2 साल बाद होने जा रही है, बल्कि इसलिए कि ये 2 साल बाद जो है ये माहौल थोड़ा सा अलग है, इस नवरात्रि का माहौल अलग है। पिछले 2 सालों में ये कोविड में सब लोगों ने बहुत सारी कठिनाइयाँ उठाई है, काफ़ी लोगों ने अपने अपनों को खोया है, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी अपने परिवार को खोया है, परिवार के सदस्यों को खोया है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन, सो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये नवरात्रि सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए जो ये नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो इस नवरात्रि उत्सव में हिस्सा लेने जा रहे हैं हमारे ग्राउंड पर आके या सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव देखकर घर पर बैठकर, हम सभी के लिए नवरात्रि उत्सव खास है। माँ जगदम्बा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इस साल का नवरात्रि उत्सव, जो कोरोना से पहले जो नवरात्रि उत्सव हुआ करता था, ऐसे ही नॉर्मल हो और पूरे डबल जोश और उत्साह के साथ हम सभी नवरात्रि उत्सव को मनाएं, सभी खुश रहें और सभी सुरक्षित रहें। जय अम्बे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, वही जी, अरे मेन बात तो रह गई, इस साल का हमारा नवरात्रि उत्सव है, दैट इज गोइंग टू बी शोकलिस प्रेजेंस GM नवरात्र उत्सव, जो होने जा रहा है प्रमोद महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोरीवली वेस्ट, तो आप जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं तो लोग कहें कि तैयारी की क्या जरूरत, लेकिन आप सभी को बता दें कि बहुत जोरों शोरों से दीदी और फाल्गुनी पाठक जी और उनकी पूरी टीम की तैयारी जारी है, क्योंकि कहीं भी एक ताल में भी चूक ना रहे ये बिल्कुल इंश्योर किया जा रहा है, ताकि हर साल की तरह बेहतर से बेहतर संगीत, नए से नए गीत, नए से नए संगीत के साथ देवी माँ की पूजा करें, पूजा में लीन होकर गरबा और डांडिया करें। एक बार ज़ोरदार तालियां सभी ऑर्गेनाइजर्स के लिए। शोकलिस प्रेजेंट्स GM नवरात्रोत्सव फाल्गुनी पाठक एंड ताथैया के साथ के लिए एवरीवन, जोरदार तालियां हो जाएं।
नवरात्रोत्सव तो सितंबर में शुरू होगा, लेकिन हमारे दिल में उत्सव आज से शुरू हो चुका है। हर मन का कोना बोलता है कि चलिए झूमें, नाचें और गरबा खेलें इस नवरात्रि उत्सव में मिलके। मैं अनुरोध करूंगा और पूछूंगा भी कि एक खास मौका है, आप में से कोई भी कुछ शब्द कहना चाहें तो हमारे प्रेस और मीडिया के मित्रगण, अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए, फाल्गुनी पाठक जी के लिए, आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी के लिए, प्लीज़ पुट योर क्वेश्चंस फॉरवर्ड। कैन वी हैव द माइक, कैन वी हैव वन माइक प्रेजेंटेड टू द मीडिया टीम। आपसे अनुरोध करेंगे कि अपनी पब्लिकेशन के साथ का नाम लेकर आपका सवाल शुरू करें। अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ राइज फ्रॉम योर सीट। हाई, प्रीति सोमपुरा फ्रॉम नेटवर्क 18। माय क्वेश्चन गोपी भाई से। गोपी भाई, अक्सर मुंबई के लोगों की शिकायत होती है कि नवरात्रि में जब हम लोग रात को 10 बजे ही घर पहुंचते हैं और 10 बजे नवरात्रि ख़त्म हो जाती है, अब तो आपकी सरकार फिर से आ गई है, तो क्या टाइम एक्सटेंशन को लेकर आप डिमांड करेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रीति का प्रश्न में थोड़ा करेक्शन करूंगा कि आपकी सरकार अपनी सरकार है, ये हम सबकी सरकार है। और प्रीति ने मेरे मन की बात को पकड़ ली है। मैं 2 दिन के पहले ही मंत्रालय जाकर आया हूँ और कल मंत्रालय का सत्र पूरा होते ही किरीट सोमय जी के साथ में हम सब लोग मिलकर देवेंद्र जी को और एकनाथ शिंदे जी को मिलेंगे और इसका समय बढ़ाने का हम मांग करने वाले हैं। और मुझे आशा है कि कुछ ना कुछ गत साल से या तो 2 साल के पहले जिस माहौल में हम लोगों ने नवरात्र उत्सव मनाया था, इस साल में कुछ और नयापन और सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई मदद हो, इस प्रकार का प्रयास हम निश्चित करेंगे। मेरा और एक सवाल है ऑर्गेनाइजर से कि इस बार फाल्गुनी की एंट्री किस तरह की होगी? इट्स सरप्राइज। फर्स्ट डे आपको आइडिया आ जाएगा क्या है, कैसी एंट्री है, जोरदार एंट्री रहेगी। अरे एंट्री बता देंगे तो मजा क्या रहेगा फिर। और फाल्गुनी आपसे सवाल है कि इस बार नयापन क्या होगा, क्योंकि 2 साल के बाद फिर से एक बार जो है मुंबई के लोग आपके गाने पे झूमने वाले हैं, दांडिया करने वाले हैं, तो क्या कोई नया एडिशन इस बार होगा गाने में? नया एडिशन ये है कि जोश बहुत दुगना है मेरी पूरी टीम में, हम सब में और सारी ऑडियंस में भी। मतलब दे आर एक्चुअली जस्ट वेटिंग कि कब नवरात्रि आए, बस हम लोग राह देख रहे हैं, जितने भी लोग मिलते बस हमें राज हुई है, हमें राज हुई है, बस मेन तो यही है। और बाकी तो हर साल की तरह काफ़ी कुछ नए गाने हैं, कुछ पुराने गाने नए तरीके से पेश करेंगे हम लोग, गुजराती गाने, फोक गाने। लेट्स होप इट्स गोना बी गुड। हाँ जी, कैन वी प्लीज पास ऑन द माइक। मैं विनोद यादव, दिव्य भास्कर, दैनिक भास्कर ग्रुप से। मैं प्रीति जी में जानना चाहता हूँ, सॉरी गोपाल भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि बहुत सारे आयोजनों पे GST की मार पड़ी है, तो क्या जो नवरात्रि के आयोजन है उसके ऊपर भी इसकी कोई मार पड़ी है? दूसरा एक मेरा ये सवाल था कि अक्सर जैसे प्रीति जी ने कहा कि 10 बजे लोग जो कामकाजी लोग हैं या ऑफिस से आते हैं वो 10 बजे तक तो घर ही पहुँचते हैं, तो आवाज़ की मर्यादा को लेके भी कई बार कंप्लेंट होती है, जो आयोजक होते हैं उनको पुलिस की ओर से हरेसमेंट होती है, वो ना हो उसके लिए ये सरकार की ओर से कोई अलग ढंग से कोई कदम उठाया जाने वाला है क्या? देखिए, GST के बारे में हम सब लोगों ने थोड़ा अपने माइंड को सेटअप करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार टैक्स के माध्यम से सरकार पूरा साल चलता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि नवरात्र में सरकार ने हमको सहूलियत देनी चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और GST के बारे में अगर मेरे मन की आपको बात कहूं, तो कोई भी परेशान व्यक्ति जब मंदिर में जाता है तो उसके ताकत के मुताबिक वो 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया जो भी डालना हो डालता है।
भगवान के पास से डिलीवरी तो बाद में होने वाली है लेकिन जीएसटी पहला दे देता है वो, बराबर है ना? तो मंदिर में हम लोग चढ़ावा दे देते हैं। इसको मजाक की बात को अगर बाजू में रखेंगे तो भी मैं ऐसा मानता हूँ कि जब कल्चर की बात हम करते हैं तो फिर पैसे के बारे में बहुत सोचना नहीं चाहिए। सरकार का जो भी सिस्टम है उसको भी हम फॉलोअप करेंगे, क्योंकि सरकार किसकी है? मैंने कहा कि सरकार हमारी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर होता तो चलो अब ये कमा कर यूरोप लेके जाएंगे तो उनके पास से जितना कम हो उतना, यहाँ पर जितना भी हम पैसा देंगे, हाँ जितना पैसा आप देते हो उसका सरकार के पास से एक एक रुपए का हिसाब आपने मांगनी चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो जीएसटी जो है उसमें बहुत कुछ बदलाव करने की अभी आवश्यकता है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि नवरात्र का जो हमारे देश के प्रधानमंत्री 9 दिन का सिर्फ पानी पीकर उपवास करते हैं वो किसके लिए करते हैं? आपके लिए, मेरे लिए, पूरे देश के लिए करते हैं ना, तो हमारा कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना? और दूसरा क्या था? आवाज़ की मर्यादा। मैं मानता हूँ कि आवाज़ की मर्यादा में भी जो खेलने के लिए ग्राउंड पर आते हैं, अगर इस हॉल में हम नवरात्र करते हैं तो इस हॉल में से जितना लोगों तक आवाज़ पहुँचे उतना होने की आवश्यकता है। आवाज़ के बारे में भी थोड़ा हम सब लोगों को आने वाले दिनों में, मैं अगर मेरा स्वयं का बात करूँ तो मैं जब बचपन में छोटा था तो मुझे आवाज़ बहुत पसंद था, अब मुझे थोड़ा इरिटेट हो रहा है और मेरी उम्र बढ़ेगी तो और ज़्यादा इरिटेट होगा। तो हम सब लोगों ने मिलकर इस प्रकार का एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसमें बच्चों को भी मज़ा आए, मध्यम वर्ग के लोगों को भी मज़ा आए और सीनियर सिटीज़न जो आए वो भी टॉलरेट कर पाए आवाज़ को, वो ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठे वहाँ पर, क्योंकि हमको जो भी आशीर्वाद आनी है वो सीनियर लोगों से आशीर्वाद आने वाला है, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठे। इस प्रकार का एक सिस्टम को मेंटेन करते हुए हम आवाज़ जितनी चाहिए उतना का करेंगे। और मैं इस बात से बहुत ओपन हूँ कि किसी ने भी किसी की भी आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सरकार हो या तो फिर कोई भी हो, जितना आवाज़ होना चाहिए उतना ही हम करेंगे। हाँ, तो जितना आवाज़ चाहिए उतनी उतने ज़ोर से बजाया जाए उसकी व्यवस्था निश्चित हम करेंगे। जी हाँ, क्या आपके मन में क्या है, क्या होना चाहिए? मैं तो मानता हूँ कि हमने इस तार का नवरात्र का शुरुआत के दिन ही संतोष भगवान से प्रार्थना करके प्रारंभ करेंगे कि भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में कहीं कोरोना जैसी महामारी फिर ना आए, ताकि हम हर साल नवरात्र मना पाए। जिस देश की सोच ही अलग हो, सर्व कल्याण की हो, उसका सब कुछ अलग ही है। क्या बात है गोपाल शेट्टी जी। थैंक यू। हाँ, तो तृप्ति का सवाल को थोड़ा संतोष मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इस साल नवरात्र उत्सव में से जो भी पैसे बचेंगे वो कैंसर हॉस्पिटल को देने का तय हुआ है। मुझे इससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती है, इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती है। और या लास्ट टाइम सीएम रिलीफ फंड में दिया था। और मैं अपनी तरफ से अगर किसी के मन में कोई बात हो तो मैं ये कहूँगा कि बोरीवली में हम जो एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए ट्राई कर रहे हैं, अनवांटेड पॉलिटिकल सिस्टम के वजह से वो रुका हुआ है। कोरा केंद्र के लोग जगह के साथ में हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, उसके बावजूद भी 3-4-5 साल तो रिजर्वेशन बदली होने में चला गया, उसके बाद में 3 साल से अभी अटका हुआ है। मैं सारे पॉलिटिशियन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हॉस्पिटल जैसे काम में किसी ने भी पॉलिटिक्स ना करे। जब हमारे घर के लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में कहीं बेड नहीं मिलता तो क्या हालत होती है कि उसको याद करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो हिंड्रेंस अभी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों ने डाला है वो जल्दी से वो निकाल कर हम जल्दी से जल्दी कोरा केंद्र के मैदान में हॉस्पिटल का प्रारंभ हो उसका प्रयास करेंगे। बोरीवली ईस्ट में आप सबकी जानकारी के लिए 8 लाख स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल का प्लान मंजूर होकर बहुत ही कम समय में वो प्रारंभ हो जाएगा, मुझे लगता है दिवाली से पहले वो प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि वेस्टर्न सबब के लिए एक ईस्ट में और एक वेस्ट में ये दो बड़े हॉस्पिटल आ जाते हैं तो एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान करे कोई बीमार ना पड़े,
लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको व्यवस्था होनी चाहिए, वो हम करेंगे आने वाले दिनों में। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले नवरात्र के समय पर मैं यहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस करूंगा उसके पहले काम शुरू हो गया होगा, इस प्रकार की व्यवस्था भगवान करे, ये भी मैं उनसे निवेदन करता हूँ। यस, क्या बात है। नेक्स्ट सच में मेरे देखिए बोले में बोलने में प्रॉब्लम है मुझे, थोड़ा इन्फेक्शन है थोड़ा सा, तो प्लीज एक्सक्यूज मी। अब मेरी बोलने में आवाज मुश्किल से निकल रही है, गाऊं क्या मैं? दर्शक दो साल से, दर्शक ऐसा नहीं हुआ कि दो साल से इनको सुना नहीं है, जो यूट्यूब पे व्यूज बढ़ रहे हैं ये दो साल के इंतजार में बढ़ रहे हैं। Anyone else or should we wrap it up? Thank you, Jai Ambe. Jai Ambe. Jai Ambe. और इसी उद्घोषणा के साथ नवरात्रि उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से, ladies and gentlemen, today at this press conference we declare the venue for Showglitz presents GM Navratri Utsav with Falguni Pathak and Tathaya at Shri Pramod Mahajan Sports Complex, Borivali. And I would request our members of the dais to kindly step forward for a picture opportunity. लेकर 26 सितंबर तक हम डिजिटल मीडिया त्योहार है वो खुल के मनने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? नवरात्रि का त्योहार बस नजदीक है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या मुद्दों के साथ आपने? निश्चित दो साल के कोरोना के गैप के बाद में फिर एक बार जीएम नवरात्र महोत्सव डांडिया क्वीन फाल्गुनी फाटक जी के नेतृत्व में 13 एकड़ के प्रमोद महाजन क्रीड़ांगण पर होने जा रहा है। मैं मानता हूं कि लोगों में उत्साह है और दो साल के ब्रेक के बाद में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नवरात्र कब स्टार्ट हो और कब हम जाए कब झूमे। और इस बार महाराष्ट्र की सरकार ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें थोड़ी ढीलापन दिया है, ऐसा कहूँगा तो भी ठीक रहेगा, या तो फिर उसमें एडिशन सरकार ने किया है, तो ये 9 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों को खेलने के लिए मिले, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम एक डेलीगेशन आने वाले 2 दिन में एकनाथ सिंधे और देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने वाले हैं, और निश्चित हम भी अपने ओर से प्रयास करेंगे कि लोगों को ज़्यादा समय डांडिया खेलने के लिए मिले। लेकिन जितना भी समय मिले, मैं मानता हूँ कि फाल्गुनी जी अपने मधुर कंठ के द्वारा लोगों को खुश करेगी और लोग निश्चित झूमेंगे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि इस प्रकार के कल्चराइज प्रोग्राम में भी जो सिस्टम के लोग हैं वो ऑर्गेनाइजर लोगों के पास से बड़े पैमाने पे पैसा लेते हैं, तो मैंने कहा कि ऐसा किसी ने लेना भी नहीं चाहिए और किसी ने देना भी नहीं चाहिए। और मैंने कहा कि 5 किलो का रवा का प्रसाद बना दो, जो भी हाथ आगे करेंगे उनको प्रसाद दे दो, दूसरा तीसरे प्रकार का कोई प्रसाद देने की आवश्यकता नहीं है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बहुत सारे लोग आयोजन करते हैं, जगह जगह पर होता है, लेकिन जिनके पास पैसे हैं उनको पैसा खर्चा करके अगर कोई अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए तो भी उसका भी व्यवस्था होना चाहिए, तो ये किया है। तो हम देखेंगे कि लोगों को फ्री में भी खेलने के लिए मिले और जिनको फ्री में इन्वॉल्व नहीं होना है, जिनको पैसे खर्चा करके खेलना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था हुई है। यहाँ पर ही नहीं तो बहुत सारी जगह पर भी हुई है, उसमें से ये किए डांडिया, जो मशहूर डांडिया जिसको हम कहेंगे वो हो रहा है। नहीं, वही मैंने कहा ना कि हम 2 दिन के बाद में मिलने वाले CM और डिप्टी CM को, तो 12 बजे तक खेलने के लिए मिले उसके लिए एक प्रयास करेंगे, और पुलिस लोग जो साउंड को कम करने की जो प्रयास करते हैं वो ना करें उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि अब इन दिनों में 12 बजना यानी कोई बहुत
मिडनाइट नहीं कहा जाता उसको, क्योंकि आप अन्य चीज़ों के लिए तो 24 आवर्स किया है, बार एक डेढ़ बजे तक चालू रहते हैं, उसके बाद में भी कुछ जगह पर चालू रहते हैं। हम नहीं चाहते कि पूरा रात भर मुंबई शहर जागे, लेकिन जो त्यौहार के 9 दिन होते हैं, देवकाल से ये परंपरा चली आई है, तो देवकाल से जो चला आया है उसको हम सब लोगों ने मिलकर जीवित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारे देश की खूबसूरती है। हमारे जो कल्चराइज प्रोग्राम्स जो होते हैं वही हमारे देश की खूबसूरती है, और इस सरकार ने अभी गोविंदा को खेल के साथ में जोड़कर एक बहुत बड़ा काम किया, ऐसा मैं मानता हूँ। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जैसे गोविंदा को जोड़ा है वैसे गणपति बापा को भी जोड़े, नवरात्र उत्सव को भी जोड़े, कि यही हमारे राष्ट्रीय धरोहर है, यही है। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अब जो है गरबा पूरे धूमधाम के साथ। जिस तरीके से 2 वर्ष तक आपने भी, आप भी नवरात्रि के इस त्यौहार में शामिल नहीं हुए, हर वर्ष आप अपने गीतों से जो लोग आते थे उन्हें आप बहुत ही ज्यादा गरबा में वो मजा आता था, लेकिन इस वर्ष अब फिर से वो होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पिछले 35 साल से जो है हम नवरात्र उत्सव में और मेरी टीम मनाते हैं, और जो कोरोना का जो पहला साल है वो तो बहुत ही मुश्किल गुजरा, क्योंकि इतने सालों बाद पहले साल एक साल जो है नवरात्रि में जो ब्रेक हुआ तो उसे बहुत ही हम सब सैड सब दुखी हो गए थे, मैं और सारे जब गरबा प्रेमी जो खेलने वाले, और 2 साल के बाद इस साल जो नवरात्र उत्सव होने जा रहा है तो उत्साह कुछ एकदम आसमान को छू रहा है ऐसा है। यस ऑफकोर्स, नए गाने तो सुनने मिलेंगे ही, और उसके साथ ही साथ जो पुराने फोक नंबर जो है, पुराने के जो गरबे राज जो है उसको हम थोड़ा सा नई तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे। जी, हालांकि कोरोना के जो मामले हैं अपने देश में जो है दर्ज हो रहे हैं, इसके चलते लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो भीड़ है नियंत्रण में रखी जानी चाहिए, या फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, सबको रिस्पॉन्सिबल, सब सिटीजन्स हैं अपने इंडिया के, तो सबको समझ के अपना अपना ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, जो प्रिकॉशन ज़रूरी लेने चाहिए जो हम लोग भी लेंगे ही। तो कल रात को ही खबर आई कि मिस्टर बच्चन जो है उनको भी कोविड हो गया है, तो क्या विश देना चाहेंगे? गेट वेल सून सर। मैडम क्या कहना चाहेंगे, बहुत बेसब्री से इंतज़ार है फ्रेंड्स के आपके गाने सुनने के, कितना जल्द वो आपको सुन सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट के साथ? कहते हैं ना कि तुम के प्रेम राम के दूना, तो ऑडियंस जो है मेरी भगवान है, जितना हमको वेट है इंतज़ार है उससे डबल हमारी ऑडियंस को इंतज़ार है। जितने भी लोग रास्ते में मिलते हैं हमको कहते हैं कि बस हम लोग इंतज़ार करें, वेट करें, जल्दी अभी कभी आए, हम लोग ने सब कॉस्ट्यूम वगैरह बना लिया, हमारी प्रैक्टिस चालू हो गई है। धन्यवाद।